हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती सर। आरती किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं तीखी पूरी। ये नमकीन है, इसे हम एक महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलो हम इसे बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने गेहूं का दरदरा आटा लिया है। आपके पास दरदरा आटा ना हो तो आप इसमें 2 टेबलस्पून सोजी डाल सकते हैं। 2 कप गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और आधी चम्मच डालेंगे अजवाइन। इसे हम हाथों से मसल कर डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे 6 टेबलस्पून ऑयल। सभी चीजों को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और 1 छोटी चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इससे हमारी पूरी खस्ता बनेगी। देखिए हमारा ऑयल इसमें सही पड़ा है। तो अब इसे पानी से आटा गूंद लेंगे। टाइट आटा गूंदना है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। देखिए मैंने टाइट वाला आटा गूंद लिया है। अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़े में बांट लेंगे। आपको जितनी बड़ी पूरी रखनी है इस हिसाब से करिए। ऐसे हम सारे लोई बना ली हैं। अब इसे हम बेलना शुरू करेंगे। हम सारी पूरी बेल लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो हर रोज मेरा नया वीडियो आपको देखने को मिलेगा। हम ऐसे सारी पूरियां बेल लेंगे। आपको पूरी ज्यादा मोटी भी नहीं रखनी है और पतली भी नहीं रखनी है। हमने ऑयल गर्म करने के लिए पूरी बेल जाए बाद में इसके अंदर ऐसे कट लगा देना है, जिससे हमारी पूरी फूलेगी नहीं और क्रिस्पी बनेगी। तो अब इसमें हम पूरी डालेंगे। सारी पूरी ऊपर आ जाएगी। अभी हमने हाई फ्लेम रखा है। थोड़ी देर के बाद हम मीडियम फ्लेम कर देंगे। अब इसे हम पलट लेंगे और मीडियम फ्लेम कर देंगे। इसे पलट पलट कर फ्राई करना है। देखिए कलर भी चेंज हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। हमारी पूरी फ्राई हो गई है। हम सारी पूरियां बेल कर फ्राई कर देंगे। कितनी अच्छी आवाज आ रही है, कितनी कुरकुरी बनी है। 2 कप आटे में कितनी सारी हमने पूरी बना ली है। इसे हम एयरटाइट डब्बे में भरकर 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए कितनी खस्ता बनी है।